Uh, how was your overall experience, and what was the response that we'd like to know? Uh, I think the teaser was very warmly received. Um, we were very happy with the way it was received. We were very clear that uh, we wanted to set out the world, show you know the world in which the story is set. Um, show the character that Salman will be portraying uh, in the teaser so that you know everybody's clear about the canvas of the film. And uh, that's really worked well for us because I think people have really reacted very positively to the way Salman is acting and, and see, being uh, seen in this uh, teaser and also the sort of backdrop of this film, the locations and the, the atmosphere in which the story is set. And there were 1,000 dancers. My God, how did it go? That only Remo can handle. I'm going to ask that question again, that. again <laughs> now. If I get 1,000 extras, I start uh, sweating. I don't know how you handle so many dancers, uh, but that's yeah, that's totally all credit to Remo to be able to handle a song of this scale. We've done it, you know, really successfully earlier in "Selfie Lele Le Re" in Bajrangi. So obviously, when we had a song of uh, this scale, the natural choice was Remo, and uh, I think he's done it all over again. Lovely. So thank you so much for sharing your thoughts with us. I request you to please stay back here with me. मेरा क्वेश्चन कबीर सर से है आ, हाँ यहाँ पे सोनू मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्यूबलाइट चाइना में कब रिलीज होगा उसका कोई रिलीज डेट और उसके बारे में अगर आप थोड़ा डिटेल दे पाए हमें तो देखिए चाइना का सिस्टम ऑफ रिलीज जो है वो अलग सिस्टम है उनका कोटा सिस्टम है जिसमें एक साल में सिर्फ बत्तीस फिल्में जो चाइना के बाहर प्रोड्यूस हुई हैं वो रिलीज होती हैं तो आप कोई भी ऐसे

किशन और सर जिस तरह से भावबली का कलेक्शन हुआ है तो जी. आपको प्रेशर फील करेगा अभी ट्यूबलाइट्स के लिए नहीं सर वैसी जिंदगी में प्रेशर है मैं भावबली का प्रेशर भी ले ले हम <laughs> <laughs> तो नहीं कलेक्शंस ऑनेस्टली uh, कभी हम किसी मतलब एवरीबॉडी वांट्स ए फिल्म टू डू वेल हम ये नहीं कह रहे कि हम नहीं चाहते कि हम 200 300 400 सौ करोड़ करें लेकिन यू कैंट मेक अ फिल्म कीपिंग दैट इन माइंड बिकॉज ऑनेस्टली यू नो जैसे प्रीतम ने भी कहा अगर वो हम प्रेशर ले, ले लेना तो आई थिंक फिर गलत डिसीजन लेंगे अगर uh, uh, मैं प्रेशर ले लेता ले कि एक मेरी जो भी फिल्म पहले हिट हुई है उसी की तरह मैं बनाऊँ तो हो सकता है वो करता रहता एक्शन फिल्म बनाते रहता uh, नहीं किया वो इसलिए बजरंगी पैदा हुई बजरंगी के बाद कुछ और अलग करने की कोशिश करी तो अब ये ट्यूबलाइट आ गई है तो आई थिंक वो प्रेशर नहीं ले रहे हम अगर हो जाए तो वाह बहुत मजा आएगा लेकिन उस uh, we'll hey, 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 सलमान सलमान तो अपनी दूसरी फिल्म शूट कर रहे हैं धाबी में टाइगर जिंदा है जब वो बीच में आएंगे तब एक और कुछ इवेंट हम करेंगे कबीर सर आपसे मिलना नहीं हो पाया था इस बीच तो खबरें थी कि ये किसी फिल्म से प्रेरित है या याडेप्ट की गई है इसमें ऑफिशियल अडेप्टेशन है एक छोटी फिल्म बनाई गई थी कॉल्ड द लिटिल बॉय Uh, तो उसका स्टोरी राइट्स हमने लिए थे बिकॉज वो कहानी अलग है वो रिलीजन के बारे में अलग छोटे बच्चे के बारे में लेकिन उसका एक सीड ऑफ द आइडिया हमें अच्छा लगा था तो हमने फिल्म मेकर से पूछा कि हम इसको अडेप्ट करना चाहते हैं हमारे कॉन्टेक्स्ट में हमारे के हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में हमारे सिचुएशन में तो दे एग्रीड और फिर वहां से हमने वो राइट्स लेके फिर हमने स्क्रीन पर डिवेल्प किया है मूवी में हीरोइन एक बहुत ही फेमस चाइनीज एक्ट्रेस जूजू उनका नाम है वो हीरोइन है ठीक है उनका एक शॉट था इसमें टीजर में थैंक यू सर और थैंक यू वेरी मच एंड इट्स टाइम फॉर अ फोटो ऑफ़ नाउ